दोस्तों, लास्ट ईयर ओप्पो ने अपने ओप्पो रेनो 5 सीरीज को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था और फाइनली अभी ओप्पो ने अपने ओप्पो रेनो 6 सीरीज को फ्लिपकार्ट के ऊपर टीज कर दिया है और इंडिया के अंदर आपको ये डिवाइस जो है वो 14 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओप्पो की रेनो सीरीज जो है वो कैमरा के लिए मेनली जानी जाती है, साथ ही में लुक्स वाइज भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर आप एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं या फिर आपका जो प्रेफरेंस है वो स्मार्टफोन का लुक है, तो उसके लिए इंडिया के अंदर दो ही ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड है और दो ही ऐसे स्मार्टफोन सीरीज है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आती है। पहला है वीवो का एक्स सीरीज और अगर हम बात करें ओप्पो की तो ओप्पो की रेनो सीरीज ही एक ऐसी स्मार्टफोन सीरीज है जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक्स देखने को मिलता है, साथ ही में परफॉर्मेंस वाइज भी हमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में, जो कि दोस्तों अब फाइनली ऑफिशियली ओप्पो ने कन्फर्म कर दिया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी एज ऑलवेज, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही मेन फैक्टर होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए कि हमें उस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओप्पो रेनो सीरीज में आपको दो ही स्मार्टफोन अभी देखने को मिलने वाले हैं, ओप्पो रेनो 6 और 6 प्रो 5G। तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी का लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। ओप्पो रेनो 6 के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर हमें यह चिपसेट देखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और आपको परफॉर्मेंस में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें 6 प्रो 5G की, तो उसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि इससे पहले हमें Realme X7 Max के अंदर देखने को मिला था। तो अगर मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम डिफरेंस बताऊँ MediaTek Dimensity 1000 प्लस के चिपसेट के साथ, तो यहाँ पर 22% ज़्यादा फास्टर CPU देखने को मिलेगा और 13% आपको ज़्यादा फास्टर GPU देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको CPU और GPU दोनों में ही बहुत ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिल रहा है, जिससे कि आप अपने फ़ोन को बहुत ही स्मूथली यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि ये डिवाइस जो है वो ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन बन जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर आपको इन दोनों स्मार्टफोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो आपको ओप्पो रेनो 6 के अंदर 4350 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाली है और ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G के अंदर आपको 4500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, जिसे चार्ज करने के लिए दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 65W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन को विद इन 35 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर पाएंगे। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के रियर सेट के कैमरा और डिज़ाइन के बारे में। तो ओप्पो रेनो 6 का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलने वाला है आईफोन के डिज़ाइन के जैसा ही। आप इसके डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि आपको इसका जो डिज़ाइन है वो आईफोन के जैसा काफ़ी सिमिलर देखने में लग रहा है। तो अगर आप एक आईफोन लवर है और आपको गरीबों का आईफोन चाहिए डिज़ाइन वाइज, तो आप ओप्पो रेनो 6 को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G की, तो इसमें आपको कर्व डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें ओप्पो रेनो 5 में भी देखने को मिला था। तो डिज़ाइन वाइज दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अमेजिंग है और दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें ग्लास बैक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसे प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो आपको ओप्पो रेनो 6 के अंदर 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है और एडिशनली हम बात करें ओप्पो रेनो 6 प्रो की, तो उसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इस डिवाइस का जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर लगा वो था इसका रियल टाइम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे कि आप रियल टाइम में प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि ओप्पो के स्मार्टफोन मेनली टारगेट किए जाते हैं कैमरा को लेकर ही, तो यहाँ पर आपको कैमरा में काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड के बारे में। तो ओप्पो रेनो 6 के अंदर आपको 6.43 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ देखने को मिलने वाला है और फ्रंट साइड में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 6 प्रो की, तो उसके अंदर आपको 6.55 इंचेस का एक फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इस डिवाइस के अंदर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें सेल्फी कैमरे की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एक पंचोल कटआउट देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर का सपोर्ट देखने को मिलेगा।
और अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो ओप्पो रेनो 6 की प्राइसिंग आपको स्टार्टिंग 27,000 रुपये से लेकर 32,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगी, और अगर हम बात करें 6 प्रो 5G की तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको अप्रॉक्सीमेटली 32,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो आपको इन दोनों स्मार्टफोन का जो लॉन्च डेट है वो 14 जुलाई को इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है, और एक्सक्लूसिव आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से परचेस कर पाएंगे। तो क्या आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।